वेल हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से मेरी यूट्यूब चैनल रजत भान सिंह तोमर पे। तो दोस्तों चैनल को कर लो सब्सक्राइब। यदि आप मेटल डिटेक्टर गोल्ड डिटेक्टर की कोई भी जानकारी चाहते हो आप हमें लेने के लिए संपर्क भी कर सकते हो, नंबर आपकी स्क्रीन पे लगा आ रहा है। जो आज की मैं वीडियो बना रहा हूँ वो आने वाली है टॉप 5 पल्स इंडक्शन डिटेक्टर। कौन से वो 5 पल्स इंडक्शन डिटेक्टर हैं जो आपको लेना चाहिए, क्योंकि क्या होता है पल्स इंडक्शन के बारे में अभी आप लोग जानते नहीं हो। अगर आप उसकी ज़्यादा जानकारी चाहते हो तो मेरे चैनल के और वीडियो देखना। चलो इस वीडियो को शुरू करते हैं हम। तो एक पल्स इंडक्शन यहाँ पे टॉप 5 डिटेक्टर बताने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि आखिरकार पल्स होती क्या है और ये इसका काम क्या होता है। देखो पल्स इंडक्शन डिटेक्टर जो होते हैं ना, आप एक ही डिटेक्टर से दोनों हंटिंग कर सकते हो, यानी कि ट्रेजर हंटिंग भी कर सकते हो और नगेट हंटिंग भी कर सकते हो। लेकिन ट्रेजर हंटिंग पे ये डिटेक्टर फेल हो जाता है क्योंकि इसमें कोई डिजिटल टारगेट आईडी नहीं आती है और सिर्फ साउंड पे मशीन चलती है। लेकिन नगेट हंटिंग पे ये डिटेक्टर काफ़ी अच्छे हिट हो जाते हैं। अगली चीज़, पल्स इंडक्शन डिटेक्टर गहरे पे वर्क करने के लिए लिए जाते हैं, यानी कि अगर आप भाई एडवांस पल्स लेते हो जो कि टॉप 5 में आने वाली है, तो उन पल्सों से क्या करोगे आप गहरे पे भी खजाने जैसी चीजों को अच्छे से समझ पाओगे और निकाल सकोगे। ये डिटेक्टर ज्यादातर गहराई के लिए लिए जाते हैं। अब दूसरी चीज यहां पे ये है, क्या ये इनकी प्रणाली क्या है, काम कैसे करते हैं? तो ये डिटेक्टर जो है एक ही कॉइल के थ्रू सिग्नल भेजते हैं, यानी ज़मीन में तरंगे भेजेंगे, 100 पल्स एकदम शार्ट करेंगे और जो तरंगे पढ़ के वापस आएंगी वो एक ही कॉइल के अंदर वापस आती हैं, जिससे डिटेक्टर साउंड करता है ताकि आप समझ सकें कि यहाँ पर आपका टारगेट आ चुका है। अब दोस्तों यहाँ पे जो पल्स इंडक्शन होती है ना, बहुत अलग यूनिट है। इसको समझने के लिए आप इस तरह से समझने की कोशिश कीजिए कि पल्स इंडक्शन जो होती है ना, कचरे को भी कई बार अच्छा टारगेट बता देती है। क्यों बता देती है? क्योंकि इसके अंदर कोई डिजिटल टारगेट आईडी नहीं आती, यानी कि ज़्यादातर जो पल्स आ रही हैं उनमें डिजिटल टारगेट आईडी नहीं आती। फेरस नॉन फेरस अच्छे से डिटेक्ट वो नहीं कर सकती। कई बार आपको गुटके की पन्नी पे ही वो अच्छा टारगेट बता देंगी, कचड़े को भी आपका अच्छा टारगेट बता देंगी। तो इस कारण से इसको ट्रेजर हंटिंग पे हम लोग ज़्यादातर यूज़ नहीं करते। इसको ज़्यादातर लोग लेते हैं नगेट हंटिंग के लिए, क्योंकि ये नगेट निकालने में काफ़ी ज़्यादा सक्षम होती है। अब ये हमें लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, यहाँ पर सवाल हमारे मन में हमेशा ये आएगा कि यार दोनों काम भी कर सकती है और एक काम में बुरी भी हो रही है, दूसरे में अच्छी भी हो रही है। और एक और बात बताऊं आपको, जो एडवांस पल्स आती है ना वो आपकी ट्रेजर हंटिंग के काम की आती हैं, वो नगेट पे ज़्यादातर अच्छा काम नहीं करती। यानी दोनों तरह की पल्स वर्ल्ड के अंदर मौजूद हैं, जो आपकी नगेट पे भी बहुत अच्छा चलती हैं और कोई सी आपकी ट्रेजर पे भी बहुत अच्छा चलती है। ये पल्स आपको गहरे से सामान निकलवाने के काम आती है। इनकी कमी सबसे बड़ी ये होती है कि ये बहुत महंगी आती हैं, पहली बात। दूसरी बात, इनकी दूसरे नंबर की सबसे बड़ी कमी ये है कि चाइनीज़ पल्स बहुत आ रही हैं, यानी 30,000 से शुरू होकर लाखों तक आ रही हैं। वो किसी काम की नहीं है, खाली साउंड करेंगी गहरे पे। अगर आप देखो साउंड करके टारगेट निकालना चाहते हो तो ज़्यादा महंगी पल्स मत लो, बिल्कुल सस्ती खरीद लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप अच्छा काम चाहते हो और वाकई एक रेगुलर पल्स खरीदना चाहते हो जो कि आपको वर्क करके दे, नगेट पे भी करके दे, ट्रेजर पे भी करके दे, ऐसी कौन सी पल्स होगी जो अच्छा काम कर रही होगी? देखो इस वीडियो के अंदर ना मैं आपको पल्स इंडक्शन की 5 बेहतरीन मशीन बताऊंगा जो कि ब्रांडेड है, और ये ही मशीन पल्स इंडक्शन का नाम रोशन करी हुई है और कोई नहीं कर सकती। यानी आप पल्स कहीं की भी ले लो आपके काम नहीं आने वाली, सिवाय इन 5 पल्स के। यानी कि ये जो 5 पल्स इंडक्शन मशीनें हैं ना, इनसे अच्छी वर्ल्ड में कोई पल्स इंडक्शन मशीन ना तो बनी है, ना बनेगी और ना आने वाली। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 5 पे जो हमारी पल्स इंडक्शन मशीन आती है वो है माइन लैब की GPZ 7000, यानी माइन लैब कंपनी का बनाया हुआ पल्स इंडक्शन डिटेक्टर GPZ 7000 और GPZ 5000। ये दोनों डिटेक्टर जो है ना, अब इनकी कीमत बहुत होती है भाई। ये 5 लाख से नीचे तो 5000 मिलता नहीं है, और जो 7000 है 7.5 लाख और 10 लाख और 12 लाख से नीचे मिलता नहीं है। लेकिन इसकी एक खासियत है, अगर आप इस पल्स को ख़रीदने वाले हो तो ये याद रखना, ये सिर्फ नगेट हंटिंग पे आपको अच्छा वर्क करके देगी। यानी नगेट के लिए स्पेशली आप इस पल्स को ख़रीद सकते हो, लेकिन इतना पैसा लगा के इस पल्स को लेना भी बेवकूफ़ी होगी, क्योंकि वहाँ पे VLF में गोल्डबग 2 मौजूद है जो इसको कड़ी टक्कर देता है। लेकिन पल्स देखो टॉप 5 में आ रही है। क्यों आ रही है? क्योंकि महंगी है, दूसरी बात वर्क बहुत अच्छा करती है, हर तरह के ग्राउंड को ये भैया मिनरलाइज भी हो कितना ज़्यादा भी तो हैंडल कर लेगी, डीपली छोटे छोटे नगेट भी निकलवा देगी। लेकिन प्राइस में महंगी जाने के कारण मैं आपको सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप 7000 लो। लेकिन वर्ल्ड के अंदर इसका रिव्यू अगर आप देखोगे, हमेशा ये पल्स जो है ना जीतेगी, इसलिए ये टॉप 5 के अंदर आती है। अब 5वें नंबर पर क्यों आ रही है? क्योंकि प्राइस ज़्यादा है,
एक ही काम कर पा रही है। आप इसको अगर सोचो ना, जैसे हम गड़े धन पे ले जाएं, तो ये भाई इसमें डिजिटल स्क्रीन नहीं है कि आप सोचो कि फेरस नॉन फेरस बता रही है। जंगलों में ले जाओगे, कचरा नहीं होगा, बेहतरीन साउंड करेगी, नगेट निकलवा देगी। लेकिन जब आप खजाने पे लेके जाओगे इसको, तो ये क्या करेगी, खजाने के टाइम पे आपको हर जगह बजेगी, लोहा आएगा तो बज जाएगी। खोदते रहो, क्योंकि आप डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते हो। तो इतना पैसा ज़्यादा लगा के भी अगर हम इसको लें तो काम की नहीं है। हाँ, लेकिन ये उन लोगों के काम की है जो नगेट हंटिंग के लिए एक बेहतरीन पल्स ढूंढ रहे हैं, जो कि वाटरप्रूफ हो आपकी, जो कि आपका सारे फीचर फंक्शनों से लेस हो और सिर्फ नगेट के लिए स्पेशली हो। यानी जिनको ब्रांडेड चीज़ रखने का शौक है ना, जिन पर ज़्यादा पैसा है, ये पल्स उन लोगों के काम की है। ये पल्स इंडक्शन मशीन आपको वाकई में बहुत सारे नगेट निकलवा के देगी। लेकिन ये याद रखना, इसकी टक्कर का फिशर गोल्ड बग 2 मौजूद है, जो इसको भी बीट कर देता है। तो यहाँ पे ये चीज़ भी हमारे माइंड में रखना है कि हमको पैसे भी ज़्यादा नहीं देना है। हमारा काम अगर कम से भी हो रहा हो और उससे अच्छी मिल रही हो, तो हम ये नहीं सोचते कि महंगे पे जाएं। तो ये चीज़ याद रखना, माइंड लैब ने ये पल्स इंडक्शन यूनिट जो बनाई है, वर्ल्ड के अंदर बहुत ही सक्सेसफुल है। लेकिन प्राइस के कारण, और जो प्राइस है ना, बहुत ही ज़्यादा हाई कर दिया यार। मतलब 7 लाख 7.5 लाख रुपये कोई ऐसे इन्वेस्ट नहीं कर सकता। 10 लाख रुपये तक का इसका प्रो पैक आता है, तो कोई भी इंसान इतना इन्वेस्ट नहीं करेगा। चलिए नंबर 4 की पल्स की बात कर लेते हैं। अब देखो, अगर आप नगेट हंटिंग पे ही जाना चाहते हो और एक ऐसी पल्स ढूंढ रहे हो जो माइंड लैब GPZ से अच्छी हो, उसकी टक्कर की हो और पल्स में ही हो, और दूसरी बात भाई अच्छा काम कर रही हो, तो आप जा सकते हो गैरेट ATX। 2.5 लाख रुपए के प्राइस में ये पल्स इंडक्शन यूनिट आपको नगेट हंटिंग पे बहुत ही बढ़िया वर्क करेगी। अगर माइंड लैब GPZ 7000 वाटरप्रूफ है, तो ये भी वाटरप्रूफ है। 10-10 फिट दोनों मशीनों को आप डुबा के चला सकते हो। लेकिन ATX की एक खासियत है, मैं बता देता हूँ आपको वो खासियत क्या है। फोल्डिंग है पहली बात, यानी छोटी सी हो जाती है, एक बैग में रख के आप आराम से चला सकते हो। बार बार असेंबल करने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई केबल कोई कॉर्ड का झंझट नहीं है कि लपेटो या निकालो या कुछ भी करो। और दूसरी बात, आप इसको अगर ट्रेजर हंटिंग पर चलाने की सोच रहे हो ना, तो भूल जाना, ये पल्स इंडक्शन आपको ट्रेजर हंटिंग पर किसी काम की नहीं है। जैसा GPZ नहीं है, वैसे ये नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये पल्स इंडक्शन स्पेशली नगेट हंटिंग के पर्पस से बनाई गई है। इसमें कोई ID फिल्टरेशन नहीं है, सीधा साउंड का काम है। आप ले जाओ जंगलों में, जहाँ आवाज़ करे वहाँ खुदाई लगा दो, नगेट निकल जाएंगे, क्योंकि जंगलों में कचड़ा मौजूद आपका नहीं रहता है। इसमें एडवांस ग्राउंड बैलेंस दिया हुआ है। 2.5 लाख का प्राइस मेरे हिसाब से वाटरप्रूफ पल्स इंडक्शन के हिसाब से कोई ज़्यादा नहीं है। मतलब अगर नगेट हंटिंग आप करना चाहते हो, लेकिन फिर बात वही आ जाएगी कि सिर्फ अगर हमको नगेट हंटिंग करने ही पल्स चाहिए, तो हम पल्स पे जाएंगे क्यों, जब हमारे पास VLF मौजूद है। अब वही बात मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप मेरे से पूछना इस वीडियो के कमेंट में डाल के कि सर VLF मशीनों के बारे में एक बार अच्छे से समझाओ, क्यों VLF अच्छी होती है, क्यों VLF सक्सेसफुल है, और क्यों VLF हमको ख़रीदना चाहिए। तो ये चीज़ मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन यहाँ हम बात कर रहे हैं पल्स इंडक्शन यूनिट की। माइंड लैब GPZ 7000 से हटके अगर आप कोई ब्रांडेड में ऑप्शन ढूंढ रहे हैं, जो कि आपको नगेट में अच्छे से नगेट निकलवाए और वाटरप्रूफ पल्स इंडक्शन यूनिट हो, तो आप गैरेट की ATX पे जा सकते हैं। अब ये जो गैरेट का ATX है ना, फोल्डेबल है, सबसे बड़ी बात, यानी कि छोटा सा हो जाता है। छोटा सा से मतलब है बिल्कुल आप फोल्ड करके इसको छोटा सा बना के अपने पास रख लो, और जहाँ जा रहा है वहाँ खोलो, फटाक से असेंबल हो जाता है, फटाक से डिसअसेंबल हो जाता है। सबसे बड़ी खासियत, अगर आप जंगलों साइड जा रहे हो और आप नगेट हंटिंग ही करना चाहते हो, तो इस पल्स इंडक्शन यूनिट पे जाना। सिंपल पल्स है, कोई लफड़े नहीं है इसमें, फीचर भी सिंपल हैं, लेकिन बात वहीं आएगी कि हम 2.5 लाख खर्च क्यों करेंगे, यानी कि हम दुगना अमाउंट खर्च क्यों करेंगे कि भाई हम नगेट हंटिंग कर सकें। गोल्ड बग 2 जब हमारे पास ऑप्शन में अवेलेबल है, तो हमको ज़रूरत नहीं है कि हम दुगना पैसा दें सिर्फ वाटरप्रूफ फीचर के लिए। हाँ, अगर आप GPZ 7000 का मन बना रहे थे, तो ATX पे चले जाओ, क्योंकि उससे कम प्राइस में उसी के साथ ये कंपटीशन कर देगी। 2-2 साल की दोनों पे वारंटी आती है, तो दोनों पल्स बराबर है मेरे हिसाब से। अब ये आपको डिसाइड करना है, भाई मैंने कम प्राइस होने के कारण इसको 4th नंबर पर रखा। अब नंबर 3 पर जो पल्स आ रही है ना, वो नगेट पर नहीं जाएगी। मतलब पल्स है, नगेट पर मत ले जाना, क्योंकि इसमें ट्रेजर हंटिंग के फीचर डाल के वर्ल्ड का पहला पल्स बनाया गया था, जिसमें ग्राफिकल फंक्शन डाला गया था कि आप ग्राफ से भी एनालाइज कर सकते हो अपने घेरे पे गड़े हुए टारगेट को। और दूसरी बात, आप कितना भी गहरा टारगेट गड़ा हो, यानी कि
अगर ऊपर से ही आप लोग जो कुआं खोदना चाहते हो ना खजाने की तौर पे, तो ये पल्स उन लोगों के ही लिए स्पेशली बनाई गई थी। ऊपर से ही आप पल्स इंडक्शन यूनिट लगा दो, फ्रेश मेटल का ऑब्जेक्ट आप 8-8 फिट तक गाड़ लो, बड़े से बड़ा, और 10-10 फिट तक गाड़ लो। ये पल्स इंडक्शन यूनिट जो पायरेट की डीप स्कैन प्रो है, 2.25 लाख के प्राइस में आपको गहरे से कोई भी सामान निकलवा देगी। लेकिन कमी नगेट हंटिंग पे मत ले जाना, क्यों? क्योंकि इसमें आती हैं बड़ी बड़ी कॉयलें। पहली चीज, बड़ी कॉयलें कैसी, 5x5 की, यानी 4x4 की, यानी 4 फिट लंबी चौड़ी कॉयल आएगी जो कि 2 लोग पकड़ के चलाते हैं। तो इसलिए ये सिर्फ ट्रेजर के काम की बचती है, इसमें हैंडहेल्ड नहीं दिया हुआ है तो आप इसको नगेट पे यूज़ नहीं कर सकते। हालांकि है पल्स इंडक्शन, अगर इसमें हैंडहेल्ड आपने अटैच कर लिया, जो कि कंपनी आगे चल के देगी मेरे को लगता है, तो फिर आप इसको भाई नगेट पे भी ले जा सकते हो और ट्रेजर पे भी। लेकिन ट्रेजर पे ये बहुत कारगर है, क्यों है? क्योंकि गहरे पे वर्क करती है। इस पल्स को स्पेशली ट्रेजर हंटिंग करने बना है। अब देखो, कुछ पल्सें आ रही थी जो आपकी नगेट के लिए थी, GPZ हुआ, ATX हुआ, लेकिन ये पायरेट डीप स्कैन उल्टी हो गई। क्या हुआ? है तो पल्स नगेट के लिए स्पेशली बनाई जाती हैं पल्स, लेकिन यहाँ पे पायरेट ने उल्टा गेम खेला। एडवांस ग्राफिकल फंक्शन फीचर पता नहीं कहाँ से कंप्यूटर से कोडिंग कर दी इतनी प्यारी कि आपको भाई इसमें 2 तरह से तो डिस्क्रिमिनेशन देखने मिल गया जो पल्स में नहीं होता, यानी फेरस अलग समझ में आएगा, नॉन फेरस अलग समझ में आएगा। किस किस तरह से, एक ID से समझ में आएगा, दूसरा टोन से समझ में आएगा। अब इसमें टोन जो सिस्टम डाला है ना, इतना परफेक्ट टोन सिस्टम है कि आप किसी भी ऑब्जेक्ट को आराम से डिस्क्रिमिनेट कर सकते हो, यानी किसी भी ऑब्जेक्ट को पहचान सकते हो। लोहा है तो अलग बच के बताएगा धुन में, और कोई और दूसरा मेटल आ रहा है तो बिल्कुल अलग साउंड कर देगा, यानी सोना चांदी पीतल तांबा अगर आ रहा है तो अलग धुन आ जाएगी, और लोहा आ रहा है तो अलग धुन आ जाएगी। 2.25 लाख में नंबर 3 पे पायरेट डीप स्कैन प्रो। अगर ट्रेजर हंटिंग करने जा रहे हो पल्स लेके और गहरे पे खुदाई करना है तो ही पायरेट डीप स्कैन प्रो लो। अब जो नंबर 2 पे आता है ना, ये पल्स अभी रिलीज नहीं हुआ, लेकिन ये पल्स का जितना रिजल्ट अभी तक मिला है ना, ये बहुत ही अच्छा हो। भारत में इसका पहला पीस फिशर कंपनी अपने लिए भेज रही है, यानी कि अभी ये रिलीज़ नहीं करा है फिशर का इम्पल्स AQ, फिर भी कंपनी हमारे लिए एक पीस भेज रही है वहाँ से शिपमेंट में, ताकि हम इसको टेस्ट करें भारत की ज़मीन पे। यूरोप के अंदर इस पल्स ने कहर मचा दिया भाई, कहर पूरी तरह से। क्यों मचा दिया? क्योंकि वर्ल्ड की एक ऐसी मशीन बना डाली है फिशर ने अनजाने में, जो कोई नहीं बना पाया। पहली बात, लोहा रख दो, सोना रख दो उसके ऊपर, जो अभी तक मास्किंग अनमास्किंग कोई नहीं पूछता था ना, नहीं कर सकती थी जो दूसरी मशीन है, या उनके थ्रू थोड़ा बहुत हम कर लेते थे लेकिन नहीं कर पाते थे। भाई इस मशीन को ले लो, सब भूल जाओ। अगर आप ट्रेजर और नगेट पे दोनों पे जा रहे हो, वाटरप्रूफ मशीन है, कसम खा के कह रहा हूँ, कचड़े में से आपको सिर्फ सोने के टारगेट निकलवाने के लिए ये मशीन बनाई गई है। हाँ, कन्फ्यूजन इसमें एक चीज़ का है, डिजिटल टारगेट ID इसमें भी नहीं दी है, और ज़रूरत नहीं है। अगर आप एक एक्सपर्ट प्रो लेवल यूज़र हो तो आपको टारगेट ID की ज़रूरत नहीं, क्योंकि मशीन साउंड में इसमें 5 मोड डाल दिए कंपनी ने, म्यूट हो जाएगी पूरी तरह से, सिर्फ नॉन फेरस पे बजेगी। लोहा आ गया, बिल्कुल हटा देगी, लोहे पे बजना ही नहीं है। लोहा कितना ही पड़ा हो, कचड़ा कितना ही पड़ा हो, इसको सिर्फ अच्छे टारगेट निकालना है, यानी सोने के जो टारगेट बने हैं ना, इसको सिर्फ वो निकालना है। और रिंग, ज्वेलरी, इन चीज़ों के लिए तो इसका यूरोप में इतना रिव्यू आ रहा है कि मैं आपको बता नहीं सकता। तभी भाई कंपनी से मैंने भी मांगा है कि फटाक से इंडिया टेस्टिंग के लिए हमें भी एक पल्स दो, तब जाके कहीं उन्होंने फिशर का इम्पल्स AQ एक टेस्टिंग के लिए इंडिया भेजने वाले हैं, जो कि शिपमेंट में आएगा। आप लोग देखोगे, जब मैं इसको चलाऊंगा, इसका और रिव्यू निकालूंगा, तब मैं आपको इसके बारे में अधिक जानकारी दे पाऊंगा। लेकिन अभी तक जो मैंने इसके रिव्यू पढ़े हैं, देखो मैंने नहीं चलाई है ये पल, सही बात ये है, आने वाली है, जब चलाऊंगा तब आपको इसका अच्छा रिव्यू मैं बताऊंगा। फिशर ने नया प्रोडक्ट बनाया, बहुत महंगा है, यूरोप में अभी इसको रिलीज़ नहीं कर रहा है, 2021 में ये लोग रिलीज़ करने वाले हैं। जो भी खामी है अभी ये लोग इसको भाई चलवा रहे हैं हर जगह के ग्राउंड में, और देख रहे हैं कि कहाँ क्या कमी आ रही है, उसको सही कर रहे हैं। यानी कहने का मतलब दोस्तों यहाँ ये है, फिशर ने एक ऐसी मशीन बना दी, क्योंकि फिशर पे पल्स इंडक्शन में कोई भी मशीन नहीं थी कायदे की बात, लेकिन फिशर ने पल्स इंडक्शन में अपना हाथ आजमाया। गैरेट और माइनलैब को टक्कर देने इम्पल्स AQ एक ऐसी मशीन बना डाली जो वर्ल्ड में ही नहीं है, सिर्फ सोने पे ही बजना है जिसको। भाई मैंने जो रिव्यू पढ़े, मैं आपको बता रहा हूँ, ज्वेलरी हंटिंग के बहुत काम की है, नगेट हंटिंग के बहुत काम की मशीन।
एक बात बता दूं, ये लेकिन मशीन जो है ना, डिजिटल टारगेट आईडी या कोई भी लफड़ा नहीं है, पूरी मैनुअल मशीन है। तो इसको सिर्फ प्रो लेवल यूज़र अगर हैंडल करेगा तो वाकई में गज़ब कर देगी ये मशीन भाई। इसके रिव्यू जितने पड़े हैं उसके आधार पे मैं आपको ये नंबर 2 पे रख रहा हूँ। बाकी मेरा रिव्यू, मशीन आ रही है, मैं भी चलाऊंगा, मैं भी खुश हूँ कि शिपमेंट में भेज दी कि मेरे को इम्पल्स चलाने मिलेगी। जो भी रिव्यू होगा मैं आप लोगों को बताऊंगा, उसकी टेस्टिंग वीडियो सब कुछ लेके आऊंगा। चलिए बात करते हैं वर्ल्ड की नंबर 1 पल्स इंडक्शन यूनिट की। देखो, नंबर 1 पल्स इंडक्शन यूनिट हम उसको कह सकते हैं जो सब कुछ ले आई हो। यानी यहाँ पे देखो, एड्रेनालिन का जो ग्राउंड एनालाइजर है ना, टर्की की कंपनी है, छोटी कंपनी है, कोई बड़ी कंपनी नहीं थी। लेकिन इनने जो कारनामा करा है ना, वो कोई नहीं कर पाया आज तक पल्स इंडक्शन की दुनिया में। पल्स इंडक्शन यूनिट होती क्या थी, सिर्फ सिंगल साउंड कर देती थी और आप खोदते रहो, नगेट पे चलती थी, सिर्फ नगेट के लिए बनाई जाती थी। लेकिन इनने एक ऐसा कारनामा कर दिया, हैंडल्ड लगा दिया इसमें तो नगेट हंटिंग कर लो, बड़ी कॉइल लगा दी तो ट्रेजर हंटिंग कर लो। अब आपको क्या चाहिए था, VDI वैल्यूएशन, जिससे आप पहचान सके टारगेट क्या आ रहा है, तो वो भी इसके अंदर उनने डाल दिया। फेरस नॉन फेरस आपको पता चलना चाहिए तो वो भी इसके अंदर उनने डाल दिया। अब इससे हटके इनने क्या क्या डाला मैं आपको बताता हूँ। इससे हटके इनने टोन आइडेंटिफिकेशन डाल दिया, यानी सोना चांदी सब पे अलग धुन भी दे देगी। ग्राफिकल एनालाइजेशन डाल दिया, यानी ग्राफ से आप पता चल कर सकते हो कि कितना बड़ा टारगेट है और कितना छोटा है। मतलब देख रहे हो, एक ही मशीन के अंदर सब चीज़ें डाल रहे हैं। और इससे हटके जो कंपनी ने अभी अभी जो बताया है ना, कि इसके अंदर हम 3D मॉड्यूल भी लगा रहे हैं। जैसा आजकल लोगों को 3D डिटेक्टर गाते हैं, इससे पहले मैंने वीडियो डाला है, असलियत वो है उनकी, पहले से सॉफ्टवेयर में डला रहता, सही बात ये है। ठीक उसी तरह से भाई इसमें भी सॉफ्टवेयर में प्री लोड होगा, फंक्शन होगा, तो वो उस तरह से आप भी इससे सर्वे के तौर पर भाई 3D मॉड्यूल लगा के भी सर्च कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे देखो फ़र्क, पल्स में 3D करा है, बहुत अलग चीज़ हो गई। और दूसरी बात ये, 3D पे मत जाओ, इसके एक्यूरेट रिज़ल्ट पे जाओ। एक्यूरेट रिज़ल्ट किस तरह के, कि ये फेरस हो या नॉन फेरस हो, उसको बहुत अच्छे से पहचान लेगी, बहुत अच्छे से आपको बता देगी। एक तो इसमें टारगेट आईडी है उससे समझ सकते हो आप, दूसरा इसमें साउंड आपको अलग अलग बता देगी उससे समझ सकते हो, तीसरा सामान की लंबाई चौड़ाई से ग्राफ के आधार पे आप समझ सकते हो। और नहीं समझ में आ रहा तो भाई 3D मॉड्यूल आ गया, उसमें देख लो कितना चौड़ा, पीला, नीला, लाल, गोला हो रहा है, क्या बड़ा टारगेट आ रहा है, क्या नहीं आ रहा। यानी एक ही पल्स इंडक्शन यूनिट में सब कुछ, इसलिए ये पल्स इंडक्शन यूनिट एड्रेनालिन की आप दोनों कामों में यूज़ कर सकते हो, नगेट पे भी, ट्रेजर पे भी। और 2.25 लाख के प्राइस में सारी पल्स इंडक्शनों से ये बेस्ट है। मतलब इनने पायरेट ने जो बनाया उसको और आगे बढ़ा दिया। कायदे की बात आपको बताऊं तो पहले पायरेट ने बनाई थी ये सब चीज़ें, लेकिन इनने उसको और आगे तक एडवांस बना दिया। तो एड्रेनालिन ने जो कर दिखाया ना, वो अभी हुआ नहीं है। और अगर फिशर का जो रिज़ल्ट बताया जा रहा है इम्पल्स AQ का, तो हो सकता है आने वाले टाइम में आपको नंबर 1 डिटेक्टर देखने मिल जाए। वो क्यों, क्योंकि जो रिव्यूअर डाल रहे हैं ना यूरोप के अंदर, उनके रिव्यू पढ़ने के बाद आपको लगेगा कि वाकई में इनने एक ऐसी मशीन बनाई है जो पूरी चीज़ें आपको निकलवा सके और कचड़े में से अच्छे टारगेट निकलवाए और आपको ज़्यादा से ज़्यादा नगेट निकलवाए, वाटरप्रूफ भी कर दी। लेकिन फ़िलहाल में एड्रेनालिन नंबर 1 है, 2.25 लाख कोई ज़्यादा प्राइस नहीं है, दोनों काम कर सकते हो, एक ही मशीन से कर सकते हो, गहरे पे से सामान निकाल सकते हो, सब कुछ कर सकते हो। अब यहाँ पे देखो, सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। अगर आपको कोई भी मशीन ख़रीदना है तो कहाँ संपर्क करना है, कोई भी वर्ल्ड की कोई भी मशीन ख़रीदना है तो संपर्क करें विश्को मेटल डिटेक्टर एंड इंजीनियरिंग इक्विपमेंट, 5A 104 कुड़ी भक्तासानी हाउसिंग बोर्ड, सेक्टर 5 जोधपुर राजस्थान। नंबर स्क्रीन पे आपकी लगा आ रहा है, आप हमें संपर्क कर सकते हैं। और दोस्तों, यदि आप पूरे भारत में कहीं से भी हैं तो विश्को के ऑफिस संपर्क कर लें। और यदि आप गोवा, महाराष्ट्र, कर्नाटक से हैं, इन 3 एरियों में से कहीं से भी हैं, तो आप हमारी भाई सब यूनिट, यानी कि हमारे जो सब डीलर हैं, उसको भी संपर्क कर सकते हैं, जो कि है अलीशा मेटल डिटेक्टर, जो कि आपका कोल्हापुर जयसिंहपुर सिटी में पड़ता है। नंबर आपकी स्क्रीन पे लगा आ रहा है। अब दोस्तों, यहाँ पे मैं एक ही बात कहूँगा, ये जो मैंने वीडियो बनाई है ना पल्स इंडक्शन के ऊपर, इस चीज़ पे एक चीज़ आपने गौर करी होगी, कुछ पल्स आपकी काय पे चल रही, नगेट पे, कुछ चल रही हैं आपकी ट्रेजर पे, दोनों पे चल रही है सिर्फ एड्रेनालिन, समझना एक बात को, और फिशर इम्पल्स AQ, यानी दोनों के हिसाब से। लेकिन इम्पल्स में टारगेट आईडी नहीं दिया, तो एड्रेनालिन ज़्यादा आगे, एडवांस है, बहुत आगे है। क्यों है, क्योंकि टारगेट आईडी एनालाइजर उसके अंदर लगा हुआ है, जो किसी और पल्स में आता ही नहीं है। अगली चीज़, पल्स इंडक्शन यूनिट वर्ल्ड में बहुत बिक रही हैं, चाइनीज़ बिक रही हैं, पूरे इंडिया में भी बन के बिक रही हैं, यहाँ तक कि आप घर पर बैठ के भी बना सकते हो अगर चाहो तो।
लेकिन यह पल्स इंडक्शन आपके किसी काम की नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि सिर्फ ये साउंड करेंगी। हाँ, आप ज़्यादा गड्ढा खोद सकते हो तो खोद लें। तो दोस्तों, ये थी 5 बेहतरीन पल्स इंडक्शन यूनिट। अगर आप इनमें से लेना चाहो तो संपर्क कर सकते हो। अब आपको पता है कि इस चैनल पे सारी जानकारी पड़ी है भाई। मेटल डिटेक्टिंग लीगल होती है या इलीगल है, सब कुछ पूरा पहले से पड़ा हुआ है। मेटल डिटेक्टर का गिव अवे भी चैनल पे चल रहा है। 50,000 सब्सक्राइबर पे 5 लोगों को मेटल डिटेक्टर फ्री में मिलने वाला है। चैनल को कर लो सब्सक्राइब, लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो और चैनल को कर लेना सब्सक्राइब। वीडियो कैसी लगी ज़रूर लिखना। तो फिर मिलेंगे गाइज, गुड बाय।